लाइव न्यूज सहारनपुर लाइव न्यूज के लिए मैं खेमचंद सैनी। इस समय हम सरस्वती सदन स्कूल सबदलपुर में हैं और यहाँ हमारे पास जो फ्रेम में है इस समय जो हमारे पास बैठी है छात्रा, इसने जनपद में जो है पहला स्थान यहाँ बनाया है। हम बात करेंगे यशवी कुश से कि किस प्रकार की उनकी जर्नी रही और जो उन्होंने ये जनपद में पहला स्थान बनाया है, इतनी मेहनत उन्होंने की, इसमें शिक्षकों का क्या योगदान है, उनके माँ बाप का क्या योगदान है और उसका स्वयं का क्या योगदान है। क्या नाम बेटा आपका? यस वी कुश। कितनी परसेंटेज आपकी रही? 95% है मेरी। अगर सब्जेक्ट वाइज बता सकते हैं? सब्जेक्ट वाइज जी जी, फिजिक्स में मेरे 97 है, मैथ में भी 97 है और केमिस्ट्री में भी 97 है और इंग्लिश और हिंदी में 92 है। यशवी, ये जो आपने जनपद में पहला स्थान बनाया है, क्या आप इससे आश्वस्त हैं या आपको लग रहा है कि ये कम है या ज़्यादा? नहीं, मेरे लिए ये काफ़ी है। मैं बहुत खुश भी हूँ कि मैंने जनपद में पहला स्थान प्राप्त किया है। ये सब मेरी टीचरों की मेहनत और मेरे पेरेंट्स का जो मेरे ऊपर मेहनत थी उसकी वजह से हुआ है। इसमें आप शिक्षक का कितना योगदान मानते हैं और अपने परिवारजनों का कितना योगदान मानते हैं? मेरे परिवारजन और शिक्षकों का इसमें पूरा योगदान है। मेरे पेरेंट्स ने भी मेरी बहुत सहायता की है, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने, मेरी मम्मी ने कभी मेरे ऊपर काम का प्रेशर नहीं डाला। हमारे प्रधानाचार्य वैभव सर ने भी मेरी पूरी सहायता की है और मेरे ट्यूशन टीचर नितिन शर्मा, उनका काफ़ी योगदान था। फिजिक्स और मैथ में ही मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने मेरी काफ़ी सहायता की है, हर बेस उन्होंने मजबूत किया, कॉन्सेप्ट सब उनका बहुत योगदान था। आपको पहले से ही उम्मीद थी कि मुझे टॉप करना है या अचानक ये सब हो गया? नहीं, पहले से ही उम्मीद थी कि हाँ टॉप तो करना ही है, जनपद में कोई ना कोई स्थान टॉप 5 में करना ही है। आपने केवल जनपद तक का सोचा था या फिर आपको ये अनुमान था कि मुझे जो है प्रदेश में भी कोई रैंक लानी था? ये प्रदेश में भी कोई ना कोई रैंक आनी चाहिए, पर जनपद में फर्स्ट रैंक आई ये भी मेरे लिए बहुत है। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS का ये एक दिमाग में आइडिया, देखिए बहुत सारी लाइन है, डॉक्टरी की लाइन है, इंजीनियरिंग की लाइन है, फिर शिक्षक भी है, ये आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले से ही था, मैं देखती थी IAS ऑफिसर को, DM को, तो मेरी एक अंदर जुनून आया कि मुझे भी यही पोस्ट हासिल करनी है, ये इसी पोस्ट पे मुझे जाना है, मेरा सपना है IAS ऑफिसर बनने का। एक चीज होती है पावर, पोजिशन को देख कर, एक चीज होती है कि मुझे नहीं देश सेवा करनी है, आपके मन में क्या है? देश सेवा जी। कहीं ना कहीं कुछ बच्चे किन्हीं कारणों से एग्जाम में या फिर परसेंटेज बनाने में चूक जाते हैं, आप चूंकि टॉपर्स हैं तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहें? मैं उन्हें यही सजेशन देना चाहूँ कि अपना एक एम बनाए, उसके हिसाब से अपनी मेहनत करे, गोल बनाए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जो है टाइम दे, क्योंकि हर चीज़ जो है मेहनत मांगती है। अपने जो टीचर जो कहे उन्हें फॉलो करे, जो भी सजेशन हमें दे, और अपना एक टाइम टेबल बनाए, उसके हिसाब से सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना नंबर लाना या टॉप करना आसान बात नहीं है। आपके लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा रहा, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट? मैथ और फिजिक्स। यशवी, कभी कभी कुछ बच्चे निराश हो जाते हैं, निराश होने के दौरान अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यशवी क्या करती है? मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक आधा सॉन्ग है जो मोटिवेट करता है उसे, या अपने बड़ों से, परिजन से कुछ बात करती हूँ, उनकी बातें सुन के मैं मोटिवेट होती हूँ और जो मेरे माइंड में टेंशन होती है वो भी हट जाते हैं। परिवार का कितना सहयोग रहा आपके साथ? परिवार का बहुत सहयोग था, परिवार का सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उनके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती, हर चीज़ उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई। मेरे भाई का भी बहुत सहयोग रहा, मेरे मम्मी का, पापा का, पापा ने हर मुझे वो चीज़ दी जिसकी मुझे ज़रूरत थी, भले ही उन्होंने कभी अपनी इच्छाओं को मारा लेकिन मेरी सभी ज़रूरतें पूरी की। मम्मी ने कभी काम का प्रेशर नहीं डाला, तो ये कर, उन्होंने कहा कि तेरी इच्छा अगर पढ़ाई करने की है, तो कुछ बनना चाहती है, तो तू अपना फोकस पढ़ाई पर कर। मम्मी पापा क्या करते? मेरे पापा किसान हैं और मम्मी हाउस वाइफ हैं। यशवी ने ये तो हमें बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जिससे जो है हमारी पढ़ाई पर गलत असर पड़ता है। एक तो फ़ोन से दूरी बनाए रखना चाहिए, बेफालतू की रील सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत टाइम बेकार करती है। एक अदरवाइज ऐसा ना करनी चाहिए कि जेलस वाली भावना किसी से, ये बेकार है, क्योंकि हमें अगर किसी को जेलस करेंगे तो वो हमारे ऊपर इफेक्ट डाल लेगी, दूसरे का कुछ इसमें बिगड़ने वाला नहीं है। तो हमें जो करना है सेल्फ मोटिवेट रहना है और सेल्फ स्टडी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, अपने टीचरों का सम्मान, पेरेंट्स का सम्मान करना है, क्योंकि वे हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और ज़्यादातर यही है कि सोशल मीडिया से दूर रहे अपनी पढ़ाई के दौरान।
मतलब आपने दो चीज बताई कि कंपटीशन होना चाहिए लेकिन हेल्थी होना चाहिए, और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, क्योंकि मैं वहीं आ रहा था कि आजकल के बच्चों में बड़ा ट्रेंड है रील स्टोरी, इनको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा, या ये कहिए कि पढ़ाई से दूर चले गए हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? जो बच्चे ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं या अपने ड्रीम से दूर जा रहे हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने भविष्य को देखते हुए अपने ड्रीम पर फोकस करें, अपनी स्टडी पर फोकस करें, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना शायद कहीं तक तो बेनिफिट दे सकता है, लेकिन एक गलत वे में जाना वो बेकार रहेगा। ये थी यशवी कुश, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। उन्होंने पूरा बताया कि कितनी भागीदारी शिक्षकों की रही, उनके माँ बाप की रही, और उन्होंने ये भी बताया कि उनके आगामी सपने क्या हैं। सदन इंटर कॉलेज की ही अंशिका मंडार भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या उनकी जर्नी रही और सकारात्मक रूप से किन चीज़ों ने उनका साथ दिया, और वो साथ ही साथ सुझाव भी देंगी। अंशिका, सबसे पहले आपका पूरा नाम क्या है? थैंक यू सर, मेरा नाम अंशिका मंडार है। जनपद में कौन सी आपने पोजीशन पाई है? सर मेरी फोर्थ रैंक आई हुई है, मैंने 93.2% गेन किए हैं। आप ही के स्कूल से, मैं पहला ही सवाल मेरा ये है कि आप ही के स्कूल से एक बच्ची ने पहला स्थान प्राप्त किया है, आपने फोर्थ स्थान प्राप्त किया है, तो आपका केवल ये था कि मुझे स्थान बनाना है जनपद में, या आपकी प्रदेश स्तर तक की भी सोच थी? सर सोचा तो था मैंने प्रदेश स्तर तक ही, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे स्कूल की एक छात्रा ने वो टॉप किया, और मुझे भी यही था कि टॉप करना ही है। सर मैंने वो हाई स्कूल से मेरा फोर्थ नंबर से मैं रह गई थी, तभी से मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ था कि अब की बार तो मेरे को टॉप करना ही है। अब जो आपको पोजीशन मिली है, आप क्या समझते हैं, उससे आप संतुष्ट हैं या कम या ज्यादा कुछ लग रहा है? सर थोड़ा कम सा तो लग रहा है, बट अब तो मैं सेटिस्फाई हूँ मेरी पोजीशन से। जीवन में क्या बनने की इच्छा आपकी है? सर मेरा ड्रीम सिविल सर्विस की तैयारी करने का है, IAS ऑफिसर बनने का। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया, केवल सिविल सर्विसेज की ध्यान आपका गया? सर मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि मैं जब किसी की मदद करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, तो मैं ये सोच रही कि मेरा अपना आगे का करियर भी मैं इसी फील्ड में बनाऊँ, इससे मैं खुद भी, क्योंकि मेरी हॉबी है ये कि मैं दूसरों से को सहायता करके मुझे अच्छा फील होता है, तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं एक IAS ऑफिसर बन के देश की सेवा करूँ और अपना बेस्ट दूँ सब। पावर या पोजीशन के लिए, या फिर सेवा के लिए, या दोनों? सर मैं तो सबसे पहले, सर मेरा तो देश सेवा के लिए ही है, दूसरों की सेवा करने के लिए, और सर उसके लिए तो सर पोजीशन भी होनी चाहिए, तो मैं तो यही चाहूँगी कि मैं सबको अपना सपोर्ट करूँ। अच्छा, ये जो आपकी जर्नी रही, ये जो आपने पोजीशन हासिल की है, इसमें शिक्षकों का कितना योगदान रहा, परिवार का कितना योगदान रहा? सर सभी का योगदान बराबर रहा, सबसे पहले तो हमारे वैभव सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, इन्होंने इतना हमें मतलब मोटिवेट किया एज अ फ्रेंड, इन्होंने मतलब हमारी क्लास में आके हमारे साथ बैठ जाते थे और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट इन्होंने ही करा, क्योंकि इन्होंने ही हमें बताया कि तुम्हारे अंदर वो है कि तुम टॉप कर सकते हो, तो एक वैभव सर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। इसके अलावा मैं अपने पापा को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी मैं अपने पापा को देखती हूँ तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन आता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ करना है, अपने पापा का नाम रोशन करना है। दूसरे बच्चों को जो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, प्रेरणा के लिए उन्हें क्या बताना चाहेंगे, क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं सर यही कहना चाहूँगी कि जिसके ना मार्क्स कम भी आए तो वो डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि मार्क्स कोई मायने नहीं रखता, आपकी एजुकेशन आपकी नॉलेज मायने रखती है। बाजी पर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी मार्क्स मिसमैच हो जाते हैं, जैसे मेरे फिजिक्स में रहे, मेरे को ऐसे था कि मेरे 90+ रहेंगे बट मेरे 79% रहे, उस वजह से मेरी रैंक भी डाउन रही, तो मैं तो यही मानना चाहूँगी कि नॉलेज मस्ट है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास सब कुछ है, मार्क्स तो इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी आप बिल्कुल भी निराश ना हो, कोई भी किसी के मार्क्स कम आए हो, अपना आगे मेहनत करो और अच्छे से करो। अंशिका का पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है, उसमें मैंने 99 मार्क्स गेन किया है, तो उसके पीछे सर मेरे तीन टीचर का साथ रहा। सबसे पहले तो मेरे स्कूल के टीचर नितिन सर का ही रहा, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन को कर देती थी, मुझे पे टेक्निक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि पहले आप क्वेश्चन को एनालाइज करो,
फिर उसको करो। उसके बाद मेरे ट्यूशन टीचर में नियाल भैया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, उन्होंने मेरे कॉन्सेप्ट जो थे वो सारे क्लियर करे। उसके बाद एक जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट देना चाहूँगी मैं, वो मैक्स सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मेरे डेली रूटीन पर बहुत ज़्यादा टेस्ट लिए। वो मुझे मतलब जो भी मेरा चैप्टर कंप्लीट होता था तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को लाते ला के दे देते थे और जो बोर्ड से रिलेट करते थे। तो जब एक सब्जेक्ट्स के पीछे इतने टीचर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे स्कूल के टीचर ने इतने ज़्यादा सपोर्ट करा, तो फिर तो अच्छा होना ही है सब्जेक्ट। सर आप एक स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में आपने पढ़ाई के दौरान एक अच्छी पोजिशन हासिल की है, इसलिए मैं ये सवाल आप पर वाजिब बनता है, ये सवाल आपसे करना चाहूँगा, टाइम मैनेजमेंट क्या रोल अदा करता है? सर टाइम मैनेजमेंट तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका टाइम ही मैनेजमेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमने पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मेहनत बिना पढ़ो तो कुछ होने वाला है नहीं। तो मैं तो रोज़ गोल बनाती थी, जैसे मैंने आज ये कंप्लीट करना है चैप्टर, तो उस पर मैं एकदम फोकस करती थी। उसके लिए मैं टाइम, ये तो मेरा टाइम तो मेरा फिक्स नहीं था कि मैंने 2 घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ना, मेरा एक गोल रहता था कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है चैप्टर, तो वो कंप्लीट करती थी। और इसके अलावा मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो केवल स्टडी है, क्योंकि एजुकेशन ही है जो हमें कुछ करके दे सकती है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया है, ये सब इन सब चीज़ों से कोई हमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इससे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, सब अपना जितना भी टाइम एक स्टूडेंट को मिलता है वो अपनी पढ़ाई पर लगाए। आजकल के बच्चे जो रील बनाने में व्यस्त रहते हैं, स्टोरी बना सोशल मीडिया पर, उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि ये सब कुछ टाइम वेस्टिंग है। अगर आप इतना फोकस उन चीज़ों पर कर रहे हैं, अगर आप इतना फोकस अपनी स्टडी पर करें, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकते हो। ये थी अंशिका मंडार, जिन्होंने बताया सरस्वती सदन इंटर कॉलेज से हैं और 4th रैंक इन्होंने बनाई है, और इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। सहारनपुर लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। सरस्वती सदन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल वैभव जी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे सर कैसा उन्हें लग रहा है और बच्चियों के बारे में वो बताएंगे। जन्म सर आपका? मेरा नाम वैभव सैनी। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे विद्यालय में पहुँचे, और उन दोनों गुड़िया को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस गांव का और अपने माता पिता के साथ साथ इस विद्यालय का भी नाम जनपद में रोशन किया है। पहली जो हमारी गुड़िया है यशवी कुश, उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, 1st रैंक है। उसी के ही बिल्कुल एक एज ए प्रतिबिंब की तरह अंशिका मंडार, उसने भी डिस्ट्रिक्ट में 4th रैंक प्राप्त की है। तो दोनों गुड़िया को जब हम देखते थे क्लास के अंदर, तो उनके अंदर एक जुनून था, और ये जुनून इतना था कि यदि आपको मैं बताऊं, यदि किसी वजह से कोई टीचर आज एब्सेंट है तो खुद टीचर थे, ब्लैक बोर्ड पे गए और अपना चौक उठाया तो अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया। तो इतना जुनून उनके अंदर था। और मैं जब इनकी जो पढ़ाई की आपको बताऊं, लगभग 12 से 13 घंटे की इन लोगों की सेल्फ स्टडी थी। तो इतनी मेहनत की है, तो मुझे तो उम्मीद हम लोगों को थी कि हम स्टेट में कहीं ना कहीं रैंक प्राप्त करेंगे, पर मेरी गुड़िया ने डिस्ट्रिक्ट में रैंक प्राप्त की है, तो उसके लिए बहुत पूरा विद्यालय परिवार बहुत खुश है और इसमें सभी अध्यापकों का सहयोग रहा। वैभव जी, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि एक ही कॉलेज के में 2 स्थान लेकर आना बहुत बड़ी बात है, लेकर के स्कूल की के एक क्या एक स्ट्रेटेजी रही है बच्चियों के प्रति? देखिए, हमारी स्ट्रेटेजी इस प्रकार है कि हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं कि बेटा आपके अंदर वो एनर्जी है कि आप डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, आप स्टेट भी में भी टॉप कर सकते हैं। तो वो जो मोटिवेट का इन बच्चों का रहा, और दूसरा है कंपटीशन। इन दोनों गुड़ियों को जब हम कंपटीशन, अभी जब भी इनका प्री बोर्ड या जो भी एग्ज़ाम होता था, तो ये दोनों बच्चे क्रॉस कॉपी चेक करते थे, वो उसका, तो उससे ये लगता था कि जिसका जो फॉल्ट है वो उसको सपोर्ट करता था, जिसका जो फॉल्ट है वो सपोर्ट करता था। दूसरा एक ये भी इनका बहुत अच्छा रहा कि ग्रुप स्टडी ऐसे करते थे कि यदि इसका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो उसका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसको सपोर्ट करता था। तो ये हम लोग की सब प्लान था, और ये प्लान हम लोगों ने नेक्स्ट टाइम के लिए भी तैयार रखा है। तो भविष्य में भी उम्मीद है कि हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेंगे, और इन गुड़िया का जो सपना है IAS बनने का, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बच्चे इस कॉलेज का नाम टॉप करेंगे और दोबारा IAS बनकर इस जनपद सहारनपुर का भी नाम अपना टॉप करेंगे।